प्रकाश कुमाऊ। जैसे कि लास्ट चैप्टर में या लास्ट वीडियो में हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने वर्ड, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेज, क्लोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी हमने। तो इंग्लिश या लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिस से ही हम इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप ये जो सम स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स को आपने सीखा या पढ़ा, इन पे चर्चाएं की और चर्चाएं करने के बाद में आफ्टर हार्ड प्रैक्टिस वी कैन गेट सक्सेस, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू गेट सक्सेस इन दिस या इन दीज टॉपिक्स। एंड इफ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, वी वॉन्ट टू वर्क हार्ड इन दीज टॉपिक्स, सो लेट स्टार्ट टूडेज एपिसोड या टूडेज क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको टेंस के बारे में कुछ जानकारियां दी थी, आज हम फिर दोबारा इसके बारे में शुरू से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। टेंस, एज यू नो दैट टेंस मीन्स हिंदी वर्ड काल, और यू नो दैट टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड लास्ट इज फ्यूचर टेंस। यू आल्सो नो अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। ये जनरल टॉपिक्स है जो सिक्स क्लास, फिफ्थ क्लास, सेवेंथ, ये छोटी कक्षाओं से शुरू हो जाते हैं, तो इनके बारे में ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं है, इतनी डिफिकल्टीज नहीं है। हम छोटी कक्षाओं से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद में इसके जो चार डिवाइडेशन दे रखे हैं, चार डिवाइड है इसके, वो कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। फर्स्ट सिंपल, इसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेकंड इज कंटिन्यूस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स इफ वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट टेंस, ऑल फोर कैटेगरीज इंक्लूड्स इन थ्री टेंसेस। वी लर्न प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लाइक प्रेजेंट वी स्टार्ट इन पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एज वेल एज फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ईच टेंस हैज फोर कैटेगरीज, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ऑल फोर कैटेगरीज इंक्लूडिंग ऑल दीज थ्री टेंसेस। तो फर्स्ट टेंस स्टार्ट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस।
प्रेजेंट सिंपल टेंस, हम इसको दोनों तरीकों से पढ़ेंगे। हिंदी में भी इसकी आइडेंटिफिकेशन है और इंग्लिश में भी आइडेंटिफिकेशन है, तो हम इसको दोनों ही तरीके से पढ़ेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन और प्रेजेंट सिंपल हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, पी है, ते है, तो है आदि आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह स्कूल जाता है। जैसे कि आपको पता है हिंदी में ता है, मीन्स वह स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूं, तुम रोजाना गृह कार्य करते हो, ये सभी जो मैंने एग्जाम्पल दिए इन सभी में लास्ट में जैसे ता है, ये इसके आइडेंटिफिकेशन है। तो इन दो सेंटेंसेस एंड ऑफ द वर्ड लास्ट विद ता है, ती है, ते है, तो है, इट्स ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ऐसे एज वेल एज ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस इन इंग्लिश, ऑलवेज डेली रेयरली occasionally, seldom, normally, never, generally, usually, always, daily, rarely, occasionally, seldom, normally, never, generally, usually, often, rather, etc., etc. In the morning, evening, on Sunday, Monday, each day, night, every day, night. It's all identification of present simple tense in English. Most of बंदे हिंदी मीडियम के हैं, वो हिंदी मीडियम से इन चीजों को सीखना चाहते हैं, but this is language of English. If we want to understand all the identification of present simple tense in English, it is better for us. Better for all of us. We can understand tenses very easy way, and we make sentences in English very easy way through all identification. After that, we learn about structure of present simple tense. Structure, it means formula.
कोई भी सेंटेंस जो बनता है वो फॉर्मूले की वजह से ही बनता है, और इसमें भी जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा सब्जेक्ट V1 एस ES IS ऑब्जेक्ट एंड अदर्स एंड V1 इट्स ऑल एलिमेंट्स 1, 2, 3 and 4 ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस सब्जेक्ट V1 एस ES IS और V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर्स ऑल एलिमेंट्स मेक्स ए सेंटेंस ओ प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे कि आप जानते हो यहां पे मैंने टू कैटेगरीज जो वर्ब है वो डिफाइन किया है V1 एस ES और IS और एक में V1। अब आपको परेशानी हो रही होगी कि इनमें से कैसे यूज करें हम, उसको जानने के लिए हम थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं कि इन दोनों वर्ब्स का यूज कैसे होगा। इन बिफोर क्लासेस यू हैव लर्न्ड अबाउट नंबर्स, यू नो दैट नंबर्स डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट सिंगुलर एंड सेकेंड इज प्लूरल। मैं बीच में ही आपके टेंस पढ़ाते पढ़ाते हैं नंबर्स के बारे में बताने लग गया, आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि हम जब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे इसमें दो वर्ब दे रहे कि V1 एस ES और IS और V1, इन दोनों का यूज इस नंबर्स के कारण होगा। तो आप जानते हो सब्जेक्ट भी कई सिंगुलर होते हैं और कई प्लूरल होते हैं, तो वो सब्जेक्ट देखेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट में ही सी इट सिंगुलर नेम्स सिंगुलर नेम्स ये सब आइडेंटिफाई करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स को। प्लूरल प्लूरल में आते हैं आई वी यू दे प्लूरल नेम्स या नाउन। तो आपके सामने ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वो पहचानने में आ रहे ही सी इट सिंगुलर नेम्स प्लूरल आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स। जैसे कि आपको पता है आई सिंगुलर ही आइडेंटिफाई होता है, लेकिन यहां पे इसको प्लूरल की कैटेगरी में माना जा रहा है, तो आप ध्यान रखना यहां पे इस पहले सिंगुलर में है सिंगुलर, जो जहां सिंगुलर सब्जेक्ट इफ यू फाइंड इन दो सेंटेंसेस सिंगुलर सब्जेक्ट्स यू विल यूज V1 एस ES एंड IS V1 प्लस एस ES एंड IS एंड इफ यू फाइंड आई वी यू दे प्लूरल नेम्स इन सच सेंटेंसेस वी यूज ओनली V1। इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो हम V1 में एस ES और IS लगाते हैं, जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं वहां पे केवल V1 लगाते हैं। इसको एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम वह स्कूल जाता है, और एक दूसरा एग्जाम्पल है हम स्कूल जाते हैं, जैसे कि आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि यहां पे वह और दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर
या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दो सेंटेंसेस आफ्टर मैचिंग बोथ सेंटेंसेस यू विल फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस वह एंड हम एंड ऑल सेंटेंस ऑल वर्ड्स आर सेम स्कूल जाता है स्कूल जाते हैं अकॉर्डिंग टू हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे जाते हैं यहाँ जाता है तो यहाँ पे वह ये जो वर्ड है वह आइडेंटिफाई कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहा है प्लूरल सब्जेक्ट तो ये आइडेंटिफाई होने दोनों में ही वर्ड का यूज अलग अलग होगा तो देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है वह को हम कहते हैं ही फिर इसके बाद में वर्ब का यूज हुआ था वर्ब जाता है जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो लेकिन आपको नियम पता है मैंने बता दिया था जैसे कि ही सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी इट मींस इसमें ईएस लग जाएगा तो ही गोज गो की जगह गो आ जाएगा एंड टू स्कूल He goes to school. Second sentence को देखते हैं यहाँ पे हमने we use किया है तो we आपको पता है as you know that we is plural subjects and verb जाना जाने को कहते हैं go लेकिन हम इसको go ही रहने देंगे क्योंकि as per rule मैंने आपको पहले बता दिया था कि जहां पे हम plural subject पाते हैं तो verb भी plural होगी we go to स्कूल इन दोनों ही एग्जांपल से आप ये समझ चुके होंगे कि जब वर्ब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होगी एक एग्जांपल और देखते हैं हम जैसे कि थर्ड राधा एक किताब पढ़ती है राम और सीता खेलते हैं जैसे कि थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीडिंग यू विल फाइंड राधा इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड राम और सीता इज प्लूरल सब्जेक्ट तो लेट्स स्टार्ट टू मेक सेंटेंस थर्ड राधा को इंग्लिश में राधा नहीं कहेंगे एंड राधा एक किताब पढ़ती है वर्ब पढ़ना तो पढ़ने को कहते हैं रीड तो यू नो दैट राधा इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज सिंगुलर वर्ब तो राधा रीड्स क्या पढ़ती है ए बुक तो राधा रीड्स ए बुक एंड वी स्टार्ट टू मेक फोर सेंटेंस राम एंड सीता ये प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे कि आप जान लो राम एंड सीता ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल तो राम एंड सीता प्ले केवल प्ले ही रहेगा यहाँ पे एस एस एंड आई एस कोई सा भी नहीं आएगा तो ऐसे आप समझ चुके होंगे इन एग्जांपल्स के द्वारा अब आपके सामने ये प्रश्न अराइज हो रहा होगा कि सर आपने इनका यूज तो बता दिया लेकिन वर्ब में जो एस ई एस और आई एस कैसे लगता है
इसको भी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसको भी हम लर्न करेंगे कि हम कैसे इन चीजों को समझेंगे या कैसे इनका प्रयोग करेंगे। तो देखो वर्ब में वही जैसे कि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था सिंगुलर प्लुरल का नियम, कईयों में एस कैसे लगता था, कई नाउन्स में ईएस कैसे लगता था, आईएस कैसे लगता था, वही अब वर्ब कैटेगरी में आएगा। तो देखते हैं एस वर्ब में एस लगाना, वर्ब में एस लगाना। कुछ वर्ब्स के है, कुछ वर्ब्स के अंत में एस, कुछ वर्ब्स के अंत में यदि वाई हो और वाई से पहले वोवल्स हो तो क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में एस लगा देंगे। जैसे कि प्ले, मैंने यही तो बताया था आपको, यदि किसी क्रिया के अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवल्स हो, वोवल्स ए ई आई ओ यू, तो हम लास्ट में इसके एस लगा देंगे। ये देखो वोवल्स, तो इस प्रकार है यहां पे एस लगाने का नियम। क्लियर, आप समझ चुके होंगे। सेकंड ईएस लगाना, ईएस को हम कैसे पुट करते हैं, जिससे कुछ क्रिया के अंत में आपके एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, तो उस वर्ब के अंत में ईएस लगाएंगे। जैसे कि वॉच, वॉच है, सी एच आ रहा है, तो यहां पे ईएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचेस। इस प्रकार इसमें ईएस लगा दिया हमने। थर्ड आई ई एस, किस प्रकार आई एस वर्ब में पुट करते हैं, लगाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको लर्निंग करेंगे। तो कुछ वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स दे रखे हो, कॉन्सोनेंट्स, अगर कुछ वर्ब्स के अंत में वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट दे रखे ए ई आई ओ यू के अलावा, तो उसमें हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे। जैसे कि ट्राई, ट्राई है, ट्राई में वाई को हटा देंगे और वाई को हटा के आई एस लगा देंगे, उसमें ये हटा देंगे और इसमें ट्राइज। इस प्रकार अपने आई एस लगाने, तीनों ही नियम को अंडरस्टैंड कर लिया है। किस प्रकार एक क्रिया में एस, ई एस और आई एस किस प्रकार लगाते हैं, इसको हम समझ चुके हैं। अब इनके डिवाइडेशन को पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक टेंस को चार कैटेगरी में बांटा गया है। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दोनों का मिश्रण।
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य चारों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एफर्मेटिव, जिसमें सकारात्मक व्यूज हो, पॉजिटिव व्यूज हो, जैसे कि वह रोजाना पढ़ता है। ये सेंटेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें ही पढ़ने को रीड, तो इसमें एस लगा देंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही रीड्स डेली, रोजाना डेली, तो ही रीड्स डेली। सेकंड सेंटेंस को समझते हैं, ये सेकंड प्रकार का जो है नेगेटिव, दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव होता है नकारात्मक वाक्य, इसमें डू और डज का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज वी वन ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। आपको पता है यहां पे वी वन में कुछ नहीं लग रहा है, पहले एफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा था वी वन में एस ईएस और आईएस लगा रहे थे, मगर यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था और उसमें एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमने देखो ईएस लगा दिया। तो ये नियम आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आ रहे हैं, दस सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड डू यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स। और आप सब जान चुके हैं, यू ऑल हैव लर्न बिफोर दीज रूल्स कि वी यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स डस एंड डू प्लूरल सब्जेक्ट्स, एंड यू ऑल्सो हैव नोन अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हो, तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। जैसे इसका सेंटेंस पिकअप करते हैं, इसमें नहीं आ जाएगा, जैसे कि वह खेलता नहीं, या वह रोजाना नहीं खेलता है, वह रोजाना नहीं खेलता है। यहां पे नोट, तो ही यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज आएगा, ही डज नोट प्ले डेली, तो यहां पे डज नोट। अगर यहां पे वह की जगह वे आ जाता कि वे रोजाना नहीं खेलते हैं, तो प्लूरल हो जाता, यहां पे दे आने पे डू आ जाएगा, दे डू नोट प्ले डेली। ऐसे हमने इन दोनों को सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कैटेगरी का डज और डू का प्रयोग सीख चुके हैं। थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो कैटेगरी के होते हैं, सच सेंटेंस विद स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब एंड सच सेंटेंस स्टार्ट विद डब्ल्यूएच वर्ड और एचओडब्ल्यू। पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है आपके डू और डज प्लस सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट एंड अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डू डज आप पहले ही जान चुके हो, डू डज, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो हम ऐसे वाक्यों में इन हिंदी में हम जब पहले क्या लगाते हैं, केवल क्या, क्यों, कब, कैसे, ये कभी भी नहीं आता। इसमें क्या से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, जैसे क्या तुम एक अखबार पढ़ते हो, क्या तुम एक अखबार पढ़ते हो,
इसमें क्या से शुरू हो रहा है और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स है, तो इसमें यू यू डिफाइन करेगा कि डू आएगा या डज आएगा। तो यहां पे यू प्लूरल को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो डू यू रीड, डू यू रीड ए न्यूज पेपर, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू रीड ए न्यूज पेपर। नेक्स्ट टाइप को समझेंगे हम, डब्ल्यू एच वर्ड और एच ओ डब्ल्यू से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड है वो आते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपके डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या कब क्यों कैसे सभी प्रकार के बनते हैं इसमें, मगर सेंटेंस के बीच में आते हैं हिंदी में, जैसे कि वह क्यों स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है या वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो इसमें क्यों ये आइडेंटिफाई करेगा व्हाई, इंग्लिश में क्यों को व्हाई कहते हैं, व्हाई ये सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेशन कर रहा है, तो ही के आधार पे डज आ गया, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क के रीजन को आइडेंटिफाई कर रहा है, रीजन को क्लियरिफाई कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे व्हाई का यूज किया है। लास्ट जो कैटेगरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें दोनों का इनपुट है डब्ल्यू एच वर्ड डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वी वन लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें इंट्रोगेटिव भी आता है तो नेगेटिव भी आता है, दोनों का कंबाइनेशन। तो यहां पे तुम क्या अखबार नहीं पढ़ते हो, क्या तुम क्या अखबार नहीं पढ़ते हो, क्या बीच में आ गया तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा, एल से शुरू हो सकता है। अब हम इसका जो फोर पार्ट्स है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस उसके बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड डू डज सब्जेक्ट नोट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं, डू डज प्लस नोट। हिंदी में देखते हैं तुम क्या अखबार नहीं पढ़ते हो, इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। इसकी जो इंग्लिश है वो डब्ल्यू एच वर्ड वो डू यू नोट रीड ए न्यूज पेपर, इसमें डू भी आ रहा है नोट भी आ रहा है। तो डू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण यहाँ पे डू आएगा। तो हमने आज की जो कक्षा में आज की ऑनलाइन कक्षा में हमने टेंस के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस में उसकी पहचान, उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में जो वी वन प्लस एस ई एस आई एस या वी वन में एस कैसे लगता है, ई एस कैसे लगता है, आई एस कैसे लगता है, इन सब के नियम के बारे में पढ़ा। फिर हमने इसकी चार जो कैटेगरी है एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन चारों के बारे में पढ़ा। आपने जो पहले वीडियो में जो प्यार स्नेह जो आपने कमेंट सब्सक्राइब किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप विद्यार्थी और जो मित्र हैं इन सभी को आज जो मैंने पढ़ाया या पहले जो मैंने पढ़ाया है उनको सबको हार्ड प्रैक्टिस करके इनके आज के जो है प्रत्येक जो प्रकार के एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के प्रत्येक जो प्रकार के कम से कम घर पे 50 सेंटेंस
प्रत्येक प्रकार के बनाइए ताकि आप इसमें स्किल हासिल कर सको। आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, वी आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश सेंटेंसेस, या वी आर एबल टू स्पीक सम हिंदी सेंटेंस इन इंग्लिश सेंटेंसेस। इफ वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश तो वी वॉन्ट टू लर्न अबाउट टेंसेस एंड कुछ आगे जो टॉपिक्स है उसके बारे में भी आपको समझ, जो पढ़ोगे तो काफी अच्छा आपको रेस्पॉन्स होगा और आपको अंग्रेजी सीखने में काफी बल मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।